दोस्तों आज की कहानी है बहू थोड़े घर के काम अपनी ननद को भी करने दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रूपाली की तीनों ननद छुट्टियों में अपने मायके आ रही थी। कल रूपाली शादी के बाद अपनी ननदों से अभी मिलने वाली थी। अच्छे से रूपाली की शादी होते ही उसकी तीनों ननदें अपने ससुराल चली गई थी, क्योंकि उनके बच्चों के एग्जाम थे। इसलिए रूपाली अपनी ननदों को अच्छे से नहीं जान पाई थी। ये पहला मौका था जब सब शादी के बाद इकट्ठा हो रहे थे। रूपाली को अपनी नंदों के आने की खुशी तो थी, पर साथ ही साथ डर भी लग रहा था। ये डर था उसकी सहेलियां की सुनाई हुई बातें। रूपाली की सहेलियां रूपाली को बताती थी कि कैसे उनकी ननद जब घर आती हैं तो साफ सफाई और खाने पीने के नखरों से लेकर उनकी बैंड बाजा जाती हैं, और सासू माँ हर रोज नई नई फरमान सुना देती हैं अपनी बेटियों की पसंद नापसंद के काम और खानों के। रूपाली की सहेलियां उसको सेड़ती और बोलती थी, यार हमारे तो एक एक ननद हैं तो हमारा ये हाल है, तेरे तो तीन तीन ननदें, सोच तेरा क्या हाल होगा ससुराल में। ऐसा सुनकर रूपाली डर जाती थी। उसके मन में नंदों को लेकर एक अजीब सा डर सा बैठ गया था। उसको लगता था कि ननद बस मीन मेक निकालने के लिए होती हैं। दूसरे दिन रूपाली की तीनों ननद आ जाती हैं। रूपाली की तीनों ननद रूपाली को देखकर बहुत खुश होती हैं। तीनों ननद रात को घर आई थी। रूपाली और उसकी सास दोनों ने मिलकर खाना बना लिया था, इसलिए रात को ज्यादा बातें नहीं हुई। सब ने खाना खाया और सो गई। रूपाली सुबह उठती हैं तो देखती हैं सब लोग जाग गए थे और बाहर गार्डन में बैठे थे। रूपाली ने देखा उन लोगों ने चाय भी पी ली थी। रूपाली को डर लगा कि मुझे क्यों नहीं उठाया और चाय बनाने के लिए क्यों नहीं बोला, मैं उठने में लेट हो गई इसलिए कोई मुझसे गुस्सा तो नहीं। तभी रूपाली की बड़ी ननद ने रूपाली को आवाज दी और बोला, अरे रूपाली तुम भी आओ, ठंडी हवा का मजा लो और एक बार और चाय बनाकर ले आओ। रूपाली जल्दी से चाय बनाकर उनके पास आकर बैठ गई। रूपाली के मन में चल रहा था कि नाश्ता क्या बनाना है, लेट हो गई तो कहीं मुझे कुछ सुनने को नहीं मिले कि नाश्ता नहीं बनाया टाइम से। इसलिए रूपाली उठ कर जाने लगी। रूपाली को जाता देख उसकी सास बोली, रूपाली कहाँ जा रही है, बैठ जा बेटा अभी बातें करते हैं। रूपाली बोली, माँ काम में देरी हो रही है। रूपाली की ननद फिर बोली, अरे भाभी आप बैठो यह काम, हम इतने जने हैं सब साथ में मिलकर कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। रूपाली उनके पास बैठ गई और खूब बातें करने लगी। थोड़ी देर में सब उठते हैं और काम के लगते हैं। रूपाली देख रही थी उसकी तीनों ननद आपस में जल्दी जल्दी घर के सारे काम को बांटती हैं। रूपाली को नहाने के लिए भेज देती हैं। रूपाली जब नहा कर आती हैं तो देखती हैं एक ननद झाड़ू लगाकर पोसा लगा रही थी। किचन में सासू माँ और दूसरी ननद खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी सब्जियां काट रही थी। रूपाली को देखकर उसकी दूसरी ननद बोली, अरे तुम आ गई, नहा कर चलो, मैं भी सब बच्चों को नहला देती हूँ। बाथरूम के सारे कपड़े मशीन मैं लगा देती हूँ। रूपाली पूजा करने चली गई। पूजा करके रसोई में घुसी तो देखा आटा लगा हुआ था, सब्जियां कटी हुई पड़ी थी। सासू माँ ने अपनी बेटी को बोला, जाओ अब तुम भी सब जल्दी से नहाकर आ जाओ, तब तक रूपाली सब्जी वगैरह बना लेती हैं। रूपाली ने देखा घर
ये काम सब मिनटों में हो रहे थे। सासू माँ ने एक बार भी ये नहीं बोला कि अपनी बेटियों से कि तुम आराम करो, बहू कर लेगी सारा काम, बल्कि बेटियों को खुद निर्देश दे रही थी, ये करो वह करो। रूपाली ने सब्जी बना ली और रोटियां सेकने लगी, तभी छोटी ननद नहक रा जाती और बोलती हैं, भाभी आप रोटी बेलते जाओ, मैं रोटियां सेकती जाती हूँ, जल्दी से बन जाएगी। रूपाली बोलती हैं, दीदी आप रहने दो, मैं कर लूंगी, वैसे कितना काम कर सके आप लोग। तभी रूपाली की सास बोलती हैं, जब तू नहीं आई थी तभी भी तो करती थी ये सब काम, फिर अब क्या हो गया, काम तो वही है ना, और अकेले से थोड़ी होता है इतना काम, बढ़िया है, जल्दी काम होगा, फिर हम आराम से बैठकर खूब बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, वरना तुम अकेली इस किचन में पीसती रहोगी और फिर हम सब आपस में बैठकर कब तो बात करेंगे। तभी रूपाली की ननद बोली, सही कह रही हैं भाभी माँ, हम आपके साथ समय बिताने आए हैं और हम तीनों बहनें काम पहले भी तो करती आई हैं। तभी बीस वाली ननद आती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, भाभी हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, आपकी घंटी बजाने नहीं आए हैं, और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। रूपाली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ननद इतनी अच्छी भी हो सकती हैं। रूपाली की ननदें जब तक वहां रही उन्होंने रूपाली का हर काम में साथ दिया। रूपाली अपनी ननदों से इतना घुल मिल गई, इन दिनों उसको लगने लगा जैसे उसकी ननद नहीं सहेलियां हो, अपनी ननदों से इतना प्यार और अपनापन पाकर रूपाली खुशी से पागल हो रही थी। रूपाली की मजाकिया ननदों ने रूपाली के दिल में अपनी अमिट जगह बना ली थी। उसकी ननदों को लेकर सारी गलत फहमी दूर हो गई थी, सबकी ननद एक जैसी नहीं होती, उस ननद बहन से भी बढ़कर होती हैं। जब रूपाली की ननदे सूटियां बीता कर जाने लगी, रूपाली की आंखों में आंसू आ गए थे। रूपाली की ननदों ने जल्दी वापस आने का वादा किया और अपनी माँ और भाभी से विदा ली। अगर रूपाली की ननदे सूटियों में अपनी भाभी की घंटी बजा देती, काम करा करा के तो वहाँ अपनी भाभी के दिल से भी छुट्टी करा लेती। भाभी का साथ दीजिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।